नमस्कार সকলোলৈকে স্টাডি এগে চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এটা ভিডিওটো বনাইছো। আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব। পোনপ্রথমতে মই জনাইছো যে কেদিমান আগতে যেহেতু এলপি আৰু ইউপি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু 28 আগষ্টৰ দিনাখন যেহেতু 5000তকৈ অধিক শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে মেডিকেল সার্টিফিকেট, মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট। ये मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट जिको चाकरी जॉइन कर लगभग कारण यह दियार पीछे अपना जॉइनिंग एक्सेप्टेबल हम और तार पद जी सैलरी प्रक्रिया सीखने आग बढ़ गति के मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट सकुके लगे के लगे जॉइन करन प्रयोजन हम गति के मैं कैसा मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट मेडिकल अफिसर पर लो लगे और तहतर डिग्री मिनिमाम एम बी बी एस हम लगे मिनिमाम एम बी बी एस गति के जिको एन डिस्ट्रिक्टर हस्पिटल निजर होम डिस्ट्रिक्टर लो पे तर हस्पिटल अथवा वर्किंग डिस्ट्रिक्ट जो आपनी काम डिस्ट्रिक्टर लो पे तर हस्पिटल गई अपने कले हम तर मेडिकल अफिसारक मोबाइल मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट लगे मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट लगे तैयार दी दी और अफिसार पर लो और केनेकोई निजर पेडत लिखी दी पे अपना बेसिभाग पेडत लिखिए दिए अपनी एन टाइप कर लो जाए केनेको टाइप कर लगे कि लिख लगे मैं कैसा अपना एनेको एन फिटनेस सार्टिफिकेटर आपे निजे टाइप कर पे प्रिंट कर लिया हमें जो पेडत दीबले असुविधा पाए अपने सैन कर दी दी तक सिल मोहर मार दी और यह मैं कम्यूनिटी पोस्ट दी दीम आपल पार मोर चेनेल कम्यूनिटी पोस्ट दी दीम एने टाइप कर ले जाजी हम डॉक्टर कले इतिम्य मैं जिम्मे बार लो डॉक्टर निजर पेडते लिखी दिले सो सीट बेसि इजी है और भलको कब रिकेस्ट कर कब अति सोकाले दी दी सो ये विराटे इम्पर्टेन्ट सकते लजर फिटनेस सार्टिफिकेट बहुते भाई करोना जी रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट सही दिले हम निके न मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट हम आपनी कि फिट हे जबटर आपुनी जे पोस्टर फिट शारीरिक असुस्थता ना आपुनी धुनिया कोई पढ़ाव पारे आपुनार शुनात प्रब्लेम ना चकुरे स्वाद बेसि प्रब्लेम ना ये बेलेगे चश्मा पिंधिले देखा पाए बेलेग कथा एक बार जो डिफेक्टिव नीटे प्रमाण कर फिटनेस सार्टिफिकेट द्वारा और बहुते सुधिसे पुलिस रिपोर्ट लगे कि लगे पुलिस रिपोर्टर मैं कह दी अपना पुलिस रिपोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट समूह चाय अपनी ठीक प्रड्यूस कर फेक सार्टिफिकेट दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या अपना क्रिमिनल रेकर्ड आए निकी तक चेक कर इारे अपने एकलिया ना शिक्षक जबत बहुत डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन नए बहुत डिस्ट्रिक्ट नए किसान डिस्ट्रिक्ट है कि दें गति के चिंता नागे अपनलोक फोन कर टेक्स मेसेज कर कारण फोन नम्बर थकोर सो अपना यू चिंतालिया ना पुलिस रिपोर्ट मातिब आपे तर पुलिस स्टेशन गले गल निजर डकुमेंट्स लगे सब जानव अपना सो यू असुविधा ना यू भाविया ना पीछे हम बहुत बस पीछे हम पे किसान एक बस भरत है सो यू चिंतालिया ना मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट लगे एस विचार हाईस्कुलर एडवर्टाइजमेंट खबर भल खबर आज हाईस्कुल एडवर्टाइजमेंट अहकाल आरम्भ हम अहकाल आपे काउंटडाउन आरम्भ पे कारण अति सोकाले एडवर्टाइजमेंट दी तो यूटे भल खबर आतीय सब कम खूब धुनक और इतिम्य सकोखि कम प्रसेस फिनी अहकाल आपल एडवर्टाइजमेंट दीबले दी सो आपल रेडी थक गोटेखि सार्टिफिकेट सब रेडी राख और सकोलैक मोर शुभकामना थकिल अति सोकाले भल खबर पा आशा रखी और एपइंटमेंट सोकाले हम अपर कारण केस ना हाईकोर्ट केस चल थे एल पी यूपी जी 2018 चलि प्रसेस तो एह कमप्लीट हल दोबारको एडवर्टाइजमेंट दीलिया जिये हक और सकुके अनुरोध जानसो जो कहते कोर्ट केसर पिने ना जाए कारण आम जान विभिन्न धरण चाकरी ला छीबी निबनवा कारण विभिन्न धरण चाकर एवं कोर्ट केस लगे सभी एब दुबस सल्व हुआ ना गति के क्या जो असुविधा आपलोक आलोचनार माध्यमेरे जाओ कोर्ट केस कथा नाभ और इने हिमंत विश्व शर्मादेवे कैसे स्टे निद गति के क्या जो असुविधा आपलोक आलोचना माध्यम जा कोर्ट केसर फिर ना जा आशा रखी और आपलोक मैं अनुरोध जानसो
আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্ক এড হ'বনে নাই বহুতে সুধিছিলে, বহুতবাৰ সুধিলে। শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় সেইদিনা কৈছিলে যে ডিগ্ৰীৰ পৰাই এড হ'ব, কিন্তু হয়তো তেখেতে সেইটো এক্সাম্পলহে দিছিলে। এতিয়ালৈকে বিভাগৰ লগত কোনো এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই যে এছএছৰ মাৰ্ক প্লাছ নহ'ব। যদি আজি কিবা হয় তেনেহ'লে মই ক'ব নোৱাৰিম, আৰু যদি কিবা খবৰ পাওঁ মই জনাম। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি আছে এছএছৰ মাৰ্কটো এড হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু গ্ৰেছ নন গ্ৰেছ বিতৰ্কত মই আকৌ নুসোমাওঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনে কোনো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই যে গ্ৰেছ বা নন গ্ৰেছক কিবা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব। ছ' এইখিনি জনাবলগীয়া আছিলে। আৰু কিছুমানে মোক কমেণ্টো সুধিছিলে যে যিহেতু বি এড পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই এইটো ছেশ্যনৰ ফাইনেলৰ, বি এড পৰীক্ষা যিহেতু 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছে তাৰপিছতহে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব নেকি। নাই, বিভাগৰ লগত তেনেকুৱা কোনো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নাই এতিয়ালৈকে। আৰু যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে পৰীক্ষাহে হ'ব, ৰিজাল্টটো আকৌ দেৰি হ'ব, ইমান দেৰিলৈকে ৱেইট নকৰে কাৰণ ইলেকশ্যনৰ কথা আছে। ছ' এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট এতিয়াই হ'ব। এতিয়া আটাইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হওঁতে টাইম লাগিব, কিন্তু ষ্টাৰ্টটো ইমান দেৰিলৈকে ৰৈ নাথাকে, অতি সোনকালেই হ'ব। আৰু এল পি আৰু ইউ পিৰ বিভিন্নজনে মোক কমেণ্টত সুধিছিলে যে হাইস্কুলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আগতে দিবনে এল পি আৰু ইউ পিৰ। হাইস্কুলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আগতেই দিব, এল পি আৰু ইউ পিৰ প্ৰচেছ চলি আছে, অতি সোনকালেই এল পি আৰু ইউ পিৰো দিব, কিন্তু হাইস্কুলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আগতেই দিব। এইখিনিয়ে জনাবলগীয়া আছিলে। আৰু সকলোৰে মই ভাল কামনা কৰিলোঁ, সকলোকে মই শুভকামনা জনালোঁ। এইখিনিয়ে জনাবলগীয়া আছিলে। কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰে, মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।